अफगानिस्तान के 19 साल के लेग स्पिनर राशिद खान ने आईपीएल के नीलामी में इतिहास रच दिया है। सबसे कम उम्र में 9 करोड़ रुपए उन्होंने पा लिए हैं। राशिद खान एक बार फिर से सनराइजर्स हैदराबाद की ही तरफ से खेलेंगे, लेकिन उनकी नीलामी सबसे फिल्मी अंदाज में हुई, या यूं कह लें कि बिल्कुल ड्रामेटिक अंदाज में राशिद खान की नीलामी हुई। सबसे पहले नीलामी की शुरुआत प्रीति जिंटा की किंग्स इलेवन पंजाब ने की। किंग्स इलेवन पंजाब के साथ दिल्ली डेयरडेविल्स भी लगातार बिड की जा रही थी। करीब 6 करोड़ की कीमत पहुंचने के बाद किंग्स इलेवन पंजाब बिडिंग से पीछे हट गई और दिल्ली डेयरडेविल्स जीतती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इसी दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एंट्री मार ली और बिडिंग बढ़ा दी। राशिद खान की कीमत जब 8 करोड़ के करीब पहुंची तो दिल्ली डेयरडेविल्स ने भी हाथ पीछे खींच लिए, लेकिन एक बार फिर से किंग्स इलेवन पंजाब ने वापसी करते हुए राशिद खान के लिए बोली बढ़ा दी और 8 करोड़ 20 लाख की बोली लगा दी। इसके बाद आरसीबी और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच राशिद खान को लेकर खूब जंग हुई और आखिर में 9 करोड़ की कीमत पर किंग्स इलेवन पंजाब ने बाजी मार ली। लेकिन प्रीति जिंटा की टीम को तब झटका लग गया जब सनराइजर्स हैदराबाद ने आरटीएम का इस्तेमाल कर लिया। बड़ी मुश्किलों से प्रीति जिंटा की टीम ने राशिद खान को अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन आखिर में सनराइजर्स ने आरटीएम का इस्तेमाल कर राशिद खान को सनराइजर्स में मिला लिया और प्रीति जिंटा हाथ मलते हुए रह गई। अफगानिस्तान के राशिद खान ने आईपीएल में अपने देश के लिए सबसे बड़ी रकम हासिल की है। पिछले साल राशिद खान 4 करोड़ में बिके थे और इस साल भर उन्होंने पूरी दुनिया में धूम मचाया। फ्ली मीडिया रिपोर्ट।